परिवारवादी क्या कर रहे हैं, मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने दो दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है, परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी, युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं, उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहे। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली, बनारस नहीं पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।